रात आए तूफान ने कई थावां ते नुकसान कीता है। किते ता सड़कां ते दरख्त डिगे पए ने ते कुछ थावां ते ता लोकां दियां घरां दियां कंधां ही डिग गईयां ने। ये तस्वीरां भी उसे घर दियां ने जिसकी पहली मंजिल दी कंध अचानक डिग गई ते थले खड़िया गड्डियां ते जा डिगी, जिस करके गड्डियां दा भी भारी नुकसान होया। गनीमत रही है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर हैरानी की गल है कि इत्थे इस घर की कंध भी हनेरी दी मार नहीं चल सकी। तेज झक्खड़ के कारण ने वड्डा नुकसान होया है। थले खड़ी लखां दी गड्डी चकना चूर हो गई। तस्वीरां देखो किस तरह इस गड्डी दे उत्ते पूरी दी पूरी कंध ही आके डिग गई है। छत बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, शीशे टुट चुके ने। उधर दूर खड़ी एक मोटरसाइकिल ते भी इस कंध का मलबा डिग्गिया, जिस करके बाइक भी चकनाचूर हो गया। वीडियो चंडीगढ़ की है, जिथे मोहाली जिले के बल्टाना एरिया दे विच पैंदे गोल्डन स्टेट सोसाइटी दे विच तेज हनेरी ते झक्खड़ दे नाल इह नुकसान होया। एक मकान के फर्स्ट फ्लोर की कंध ही हेठां डिग गई। गनीमत रही कि जो परिवार इस घर विच मौजूद सी ते रात वाले सो रहा सी तां किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर इत्थे गड्डियां दा वड्डा नुकसान होया, जिस करके आर्थिक नुकसान किया जा सकता है कि इन्हां परिवारां दा होया है जिन्हां दीआं गड्डियां इस मकान दे हेठां लगियां होईयां सन। क्या नाम है भाई साहब अपना? अंकुश मेरा नाम है और मैं 71 गोल्डन स्टेट में रहता हूँ। और यहाँ पर 9:30 के आसपास आंधी आई थी और ये इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर, और इसके ऊपर से इसके ऊपर एक और था छज्जा सा, वो गिरा पहले इस दीवार पे और फिर वो हमारी कार पूरी डैमेज कर चुका है। तो ये बिल्डिंग शटरिंग के बिल्कुल सामने वाली गली है। बिल्डिंग है किसकी? है बिल्डिंग अमित गुप्ता की है। अमित गुप्ता? हाँ जी। तो इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह भी आपने पुलिस में की है? अभी गाड़ी के ऊपर सामान गिरा उसके बाद? हाँ जी, एक कंप्लेंट की है, बट अभी इतनी बातचीत हो नहीं पाई है पुलिस वालों से। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हुए। ये इलीगल बिल्डिंग आपने कहा है, तो इसमें इलीगल क्या है? क्योंकि अब अगर ऊपर से जाके देखोगे तो एक पूरा 10 फुट की दीवार थी और उसके ऊपर कोई लेंटर नहीं था, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा कानून नहीं कहता कि 10 फुट से ऊपर आपको लेंटर डालना ही पड़ेगा, बट उस पर कोई लेंटर नहीं था अभी तक। तो पहले वो दीवार गिरी, वो ऊपर मोंटी थी उसके ऊपर गिरी, फिर वहाँ से यहाँ पर दीवार गिरी है। रात आए तूफान ने कई थावां ते नुकसान कीता है। किते ता सड़कां ते दरख्त डिगे पए ने ते कुछ थावां ते ता लोकां दियां घरां दियां कंधां ही डिग गईयां ने। इह तस्वीरां भी उसे घर दियां ने जिसकी पहली मंजिल दी कंध अचानक डिग गई ते थले खड़िया गड्डियां ते जा डिगी, जिस करके गड्डियां दा भी भारी नुकसान होया। गनीमत रही है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर हैरानी की गल है कि इत्थे इस घर की कंध भी हनेरी दी मार नहीं चल सकी। तेज झक्खड़ के कारण ने वड्डा नुकसान होया है। थले खड़ी लखां दी गड्डी चकना चूर हो गई। तस्वीरां देखो किस तरह इस गड्डी दे उत्ते पूरी दी पूरी कंध ही आके डिग गई है। छत बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, शीशे टुट चुके ने। उधर दूर खड़ी एक मोटरसाइकिल ते भी इस कंध का मलबा डिग्गिया, जिस करके बाइक भी चकनाचूर हो गया। वीडियो चंडीगढ़ दी है, जिथे मोहाली जिले के बल्टाना एरिया दे विच पैंदे गोल्डन स्टेट सोसाइटी दे विच तेज हनेरी ते झक्खड़ दे नाल इह नुकसान होया। एक मकान दे फर्स्ट फ्लोर दी कंध ही हेठां डिग गई। गनीमत रही कि जो परिवार इस घर विच मौजूद सी ते रात वाले सो रहा सी तां किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर इत्थे गड्डियां दा वड्डा नुकसान होया, जिस करके आर्थिक नुकसान किया जा सकता है कि इन्हां परिवारां दा होया है जिन्हां दीआं गड्डियां इस मकान दे हेठां लगियां हुईयां सन।